पन्ना जिले के अंतर्गत नगर परिषद गुनौर में जो बड़े वाहन वहां से निकलते हैं, जैसे गिट्टी रेत एवं अन्य सामग्री लिए वहां से गुजरते हैं, तो वहां के जो ठेकेदार अपने लड़कों से उन वाहनों से वसूली करते हैं। जबकि वहां के CMO से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि यदि इस तरह के बस सलूकी की जाती है तो वो अवैध है। जो ठेका हुआ है उसमें आने वाले बाली बसों एवं जो वाहन नगर परिषद के अंदर कहीं भी अपना माल खाली करते हैं तो ऐसे वाहनों को शामिल किया गया है। जबकि वहां पर छोटे वाहन ऑटो वालों से भी 20 रुपए लिए जाते हैं, जबकि ठेके में रिक्शा वालों को छूट दी गई है। अब देखना यह है कि CMO गुनौर ऐसी वसूली पर अंकुश लगाते हैं या इसी तरह चलती रहे कि गुनौर नगर परिषद में बस सुरू की। हालांकि वहां के कुछ पार्षद भी इसका विरोध करते हैं लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। बोलते हैं हमारी गुनौर नगर परिषद तानाशाही से चल रही है। मुझे रसीद देते इनके नगर में खाली हो चाहे ना हो पर्ची मतलब वो काटेंगे ही काटेंगे। अच्छा 100 रुपए लेते कायदे से यह नियम है कि नगर में खाली हो गाड़ी यहाँ गुनौर में तो आप ले लो हमको कोई दिक्कत नहीं मगर आपके यहाँ से हम गुजर रहे हैं तो के मोटरसाइकिल वाले परेशान फोर व्हीलर वाले घुस रहे हैं कहीं लग जाए तो डाइवर्ट हो गए यही सब बात है क्या करे आदमी। मुरगेंद्र सिंह बुंदेला जी कौन से वार्ड नंबर से है? वार्ड पार्षद एक। अच्छा आपके यहाँ क्या क्या वालों किस प्रकार की वसूली होती है नगर पंचायत? अवैध वसूली हो थे सब जितनी भी है सब अवैध वसूली हो रही। अच्छा। और घटिया निर्माण हो रहे देखो आप जो काम हो रहे हैं अगर पार्षद रोक भी रहो तो को सुनने वालों नहीं है अपनी सीधी सी बात अपने मनमानी से सब काम कर रहे हमें जो भी पता नहीं है मतलब कहाँ काम हो रहा हो कैसो काम हो रहा हो है उसको एस्टीमेट को पता नहीं है एस्टीमेट भी पूछो याद के कितने को कहा कैसो है वो भी नहीं बता रहे साफ साफ है। आपके यहाँ जो वाहनों की वसूली होती है उसका क्या टेंडर हुआ है? अभी तो टेंडर भाव नहीं है अभी टेंडर तो वो 3 महीना बकाया 3 महीना खान बकाया रहे 3 महीना बाद टेंडर हुए तो अभी तो अभी दही ना चलत कहा वो सीधो सीधो। आप क्या चाहते हैं? वो अब का टेंडर हो टेंडर से जो वसूली है जो शुल्क लगाते सही शुल्क लगे तो 30 रुपया की चीज 60 रुपया वसूल रहे तो ऑटो ट्रक वाले बोल रहे जबरदस्ती वसूली कर रहे वो अबे तो वसूली तो है ही है वो जबरन की वसूली है बाईपास से जा रहे तो वे घुमा के तरह से कर रहे कि तो पैसा मिल रहे तो पैसा दो वो तो कहते हैं स्वच्छता मतलब स्वच्छ रहे नगर पंचायत इसलिए वसूलते हैं। अच्छा मतलब पैसा सा स्वच्छता रहने के पैसा ले 30 के 60 ले तो वो स्वच्छ रहे 40 के मतलब 80 ले तो उसमें स्वच्छ रहने पैसे में स्वच्छ रहने तो आप लोगों को पार्षदों को वहाँ मिलके विरोध करना चाहिए नगर पंचायत में खूब विरोध करो भाई साहब हमने सब कछु करो हम लोगों ने हम परेशाना हो गए हैं सब करत करत जी कोई अपन अपनी पार्षद की कोई सुनने वाला है नहीं जी ना निर्माण कार में है ना किसी कार में कोई अगर कहा भी आ रहे होने दो चलता है चलता रहता है और चले तो फिर जी चलिए ठीक है।